हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एच लुकअप वी लुकअप। एच लुकअप और वी लुकअप हमने पहले भी किए थे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वाली वीडियो हमारी देख लीजिए, जिसमें हमने एच लुकअप वी लुकअप सिंपल टाइप से बताया हुआ है किसी एक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम एच लुकअप वी लुकअप करेंगे थोड़ा सा एडवांस। एडवांस मतलब कि जैसे मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन में आई लोकेशन मेरी यहाँ पर होगी, इधर से मैं कोई भी आईडी चूज करती हूँ और उस आईडी की डिटेल को यहाँ पे चेक करके दिखाता जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर चूज करती हूँ, सब्जेक्ट चूज करती हूँ, उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती जाएगी। ओके, नंबर यहाँ पे आते जाएंगे। सेम टाइप से ये भी दो तरीके से निकाला है। यहाँ पे मैं कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करती हूँ, उस सब्जेक्ट के सभी स्टूडेंट के नंबर आ जाएंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे स्टूडेंट के नंबर आ जाएंगे। तो इस टाइप से गाइस हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टॉपिक एच लुकअप वी लुकअप। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के पास बेल आइकन है, जिसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशंस होंगे जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। गाइस, आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर लीजिए और इस पे फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एच लुकअप वी लुकअप। गाइस, ये जो इधर एच लुकअप वी लुकअप है, यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट के थ्रू हमें काम करना है। ओके, यानी कि जब मैं सर फॉर्मूला लगाऊंगी तो इस फील्ड को लोकेट करूंगी। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते कैसे हैं, इसे बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ आगे कि इसे हम बनाएंगे कैसे। गाइस, पहले हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो फील्ड है, इन फील्ड को यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू आईडी। यानी कि जैसे मैं आईडी चेंज करूँ वहां पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। ओके, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस, कि यहाँ पे बनाऊंगी। इसके लिए हमें डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर गाइस, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, इसे चूज करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको सेटिंग में जाना है। इधर बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, अलग अलग टाइप की वैलिडेशन करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए गाइस, लिस्ट चाहिए हमें। इधर एक लिस्ट, यानी कि इस सेल में मैं अपनी मर्जी से कुछ लिख नहीं सकती। जो लिस्ट मैं बनाऊंगी, जो लिस्ट मैं सिलेक्ट करूंगी, सिर्फ उसी लिस्ट के आइटम मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। तो मैंने ये लिस्ट चूज कर ली। अब यहाँ पे गाइस सोर्स पूछ रहा है, तो इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो आपकी लिस्ट है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए गाइस, सिलेक्ट कर ली और ओके कर देंगे, ये आ गई। अब आप इधर देख लीजिए गाइस, यहाँ पे लिस्ट आ गई। ओके, आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये नंबर आ गए गाइस, ये यही नंबर है जो हमने चूज किया है। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो गाइस होम टैब में जाइए और यहाँ से नंबर कलर चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर ले लीजिए। और मैंने इधर ये वाला कलर ले लिया कि मुझे इस कलर में यूज करना है। अब गाइस, आपको यहाँ पे हमें से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे चूज करेंगे तो मुझे आईडी से ही स्टार्ट करना है कि मैं इधर फाइंड आउट आईडी भी करूँ। देखिए गाइस, जब हमने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ भी फॉर्मूला है, हर फील्ड में फॉर्मूला लगेगा। ओके, और हर फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन चेक होगी वो इसी नंबर के थ्रू चेक होगी। तो हम यहाँ से जो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, इधर क्लिक करेंगे और इधर हम लगाएंगे वी लुकअप टैप कर लीजिए गाइस। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारी गाइस, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसे चूज करेंगे कॉमा। और क्या है गाइस, आपका टेबल एरे। टेबल एरे क्या है आपका, ये वाला टेबल एरे है, ठीक है, चूज कर लिया। अब बोल रहे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है गाइस, ये फर्स्ट है, पहला ही कॉलम मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे आइटम आईडी लेना है तो मुझे पहले ही कॉलम में से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने कर दिया 1। और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो ये 0 हम फॉल्स लिखेंगे, यानी कि 0। एग्जैक्ट मैच के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है गाइस। देखिए गाइस, तो यानी कि ये नंबर इधर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करूंगी तो गाइस ये वही नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसी टाइप से गाइस, इधर में जो भी नंबर चेंज करूँ उसका मुझे आइटम नेम यहाँ पर चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसे ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल वी लुकअप, इसे टैप कर दीजिए और सेम एज इस फील्ड के अकॉर्डिंग कॉमा टेबल एरे ले लीजिए। ये मेरा टेबल एरे है। ओके गाइस, ये हमने अपना टेबल एरे ले लिया। लेने के बाद इधर कॉमा
और यहाँ पे फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम कौन सा है गाइस ये, टू, क्योंकि हमें किस क्या चाहिए, आइटम नेम लेने हैं, तो ये कॉलम है हमारा टू। एग्जैक्ट मैच लेना है तो हमने कर दिया जीरो। ओके, ये देखिए गाइस यूज हो गया, यानी कि अब पी 002 जो रिकॉर्ड है उसका आइटम नेम क्या है, माउस। आप देख लीजिए गाइस माउस आ रहा है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ से चेंज करती हूँ वो यहाँ पे क्या होगा, आइटम भी चेंज हो जाएगा। देखिए P005 का आइटम नेम क्या है, मॉनिटर, यहाँ मॉनिटर आ रहा है। अब सेम टाइप से गाइस आप रेट निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हम बार बार इसे लगा रहे हैं, हम ड्रैग भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली गाइस ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करूंगी तो गाइस जैसे हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। देखिए गाइस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, वो आगे ले लेगा गाइस, नॉट एप्लीकेबल आगे, तो इसलिए मैं उसे चेंज ड्रैग नहीं कर रही हूँ, हम इधर मैनुअली सारा निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इधर से इसे हटा दिया, अब इधर मैनुअली निकाल रहे हैं। तो इधर हमने इक्वल लगाया और यहाँ पे अगेन दोबारा हमने वी लुकअप लगा दिया, टैप कर दिया, टैप करके अगेन इस फील्ड कॉमा टेबल एरे, ये हमारा टेबल एरे है, इस टेबल एरे को चूज कर लीजिए कॉमा। अब कौन सा रिकॉर्ड है गाइस, मैंने क्या, मेरा थर्ड नंबर कॉलम है, तो हमने थर्ड नंबर कॉलम डाल दिया और जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए। तो गाइस यहाँ पे इधर P06 का ये देखिए गाइस ये रिकॉर्ड आ गया, इतना आ गया। अभी दो फील्ड और निकालनी है मुझे, तो अगेन हम यहाँ पे वी लुकअप ही लगाएंगे, टैप कर दीजिए। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ गाइस, जिससे कि थोड़ा काम जल्दी हो जाए, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आई होप आपको, तो हम इधर से थोड़ा सा जल्दी करेंगे कॉमा, और अब ये कॉलम है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ पे जाएंगे जीरो। देखिए गाइस ये फाइव निकल गया, ये फाइव ही है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमने इसे अगेन लगा दिया वी लुकअप, टैप कर दिया, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कॉमा टेबल एरे मेरा ये रहा। ओके, ये रहा मेरा टेबल एरे कॉमा, और मेरा कॉलम है इसमें फाइव नंबर, ये फाइव पे जाऊंगी और जीरो। ओके, देन देखिए गाइस ये सेम आ गया, ये 05 जो रिकॉर्ड P005 है उसकी इंफॉर्मेशन सेम आ गया। अब जैसे मैं यहाँ से इसे चेंज करूंगी गाइस वो चेंज हो जाएगी। देखिए गाइस अब एक्चुअली यहाँ पे क्वांटिटी सबकी फाइव है, तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा फाइव है टू है, तो मैं इधर क्वांटिटी थोड़ी चेंज कर दे रही हूँ गाइस, जिससे कि पता चल जाए। देखिए गाइस आप यहाँ से चूज कर लीजिए, मैंने फाइव चूज कर लिया, तो देखिए फाइव में आ गया, सेम आ रही है इन्फॉर्मेशन। सिक्स चूज कर लूंगी तो सिक्स की डिटेल आ जाएगी। देखिए गाइस तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक ही जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगी कोई भी आईडी, उसी आईडी के थ्रू मेरी पूरी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो ये है गाइस हमारा वी लुकअप। ओके, अब गाइस यहाँ पे जो मेरा वी लुकअप था इसमें मैंने ड्रैगिंग किया, तो ड्रैगिंग में क्या करा, उसने कॉलम नंबर चेंज करता चला गया, तो मेरा फॉर्मूला गलत हो गया था, नॉट एप्लीकेबल आ गया था, एन ए आ गया था। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है गाइस लगा हुआ है, इसमें हमने क्या किया है कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहे हैं हम कि कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे यूज करना है, वो कॉलम इंडेक्स नंबर गाइस हम इसमें किसके थ्रू दे रहे हैं, हम कॉलम्स के थ्रू कर रहे हैं। कॉलम्स के थ्रू मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ग्रुप जब हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बीच में जितने भी कॉलम होते हैं वो कॉलम वो सर्च करके बताता है कि कितने आपने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम अब उसी मेथड के थ्रू काम करेंगे कि हमें इसे यूज करना है। तो गाइज अब यहाँ पे हम इधर फिक्सिंग के थ्रू काम करेंगे कि रेंज फिक्स करके, क्योंकि अभी पहले रेंज फिक्स नहीं थी तो मेरा डेटा चेंज हो गया था, वहां पे नॉट एप्लीकेबल आ गया था। अब इस मेथड को हम कैसे यूज करते हैं वो गाइज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ओके, अब इसमें दो ले लगाए हुए हैं, पहले हम कॉलम इंडेक्स नंबर लिखते हैं और उस कॉलम इंडेक्स नंबर के थ्रू हमें डेटा मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे नहीं गाइस, अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेंगे यूजर्स इधर से फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टाइप का फॉर्मूला देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इक्वल वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप टैप कर लिया। ओके गाइस, अब लुकअप में हम क्या कर रहे हैं गाइस, इस कॉलम को ले रहे, इस फील्ड को ले रहे हैं अपनी, और इसे कर देंगे हम F4 करके फिक्स। ओके, क्योंकि हमें इधर फिक्स करना है, इसे फिक्स हो गई F4 गाइस, इसका फिक्स करने का शॉर्टकट है, आप इसे रेफरेंस चेंज कर देते हैं, इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस को
चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, हमारा टेबल रेंज है, टेबल रेंज क्या है गाइस, हमारी टेबल रेंज हमारी यहाँ से स्टार्ट है, ये वाली, ओके गाइस। तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया और इस रेंज को भी हम कर देंगे फिक्स, ये रेंज भी फिक्स हो गई, कॉमा। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे कॉलम्स, ओके कॉलम्स ले लीजिए, टैप कर लीजिए, कॉलम्स ले लिए। अब कॉलम्स में हमें क्या करना है गाइस, कहाँ से स्टार्टिंग कॉलम, कहाँ से हमारा, यहाँ से स्टार्ट है कॉलम हमारा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे कर देंगे फिक्स, इसे भी हमने कर दिया फिक्स। फिर कॉलम लगाएंगे गाइस, कॉलम पहले गाइस हम इसे चेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरे को यहाँ से रेंज लेनी है और इसे हमने कर दिया फिक्स। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉलन, देखिए गाइस रेंज चेंज हो गई। और इसके बाद कहाँ से यहाँ तक लेना है मुझे, यहाँ से एक मिनट गाइस, इसे हटा दिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया गाइस, यहाँ से यहाँ तक लेना है मुझे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कॉमा लगाना है और इस वैल्यू को करना है फिक्स, ठीक है ना। तो हमने इसे कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ओके, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया और जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। गाइस एंटर करने से पहले यहाँ पे जो निकला है ना, ये चेंज हो गया, इसे हम यहाँ से निकालेंगे गाइस, ये मेरे को यहाँ से पहले कॉलम से लेके दूसरे कॉलम तक, यहाँ तक चाहिए, ओके। अब इसमें से यहाँ पर ये ले लिया गाइस हमने, और इसमें से जो पहला वाला कॉलम है मेरा B10, इसको गाइस हम करेंगे फिक्स। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे गाइस और यहाँ पे हम कर देंगे F4। तो गाइस ये हो गया चेंज, ठीक है ना, फिक्स हो गया और एंटर कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा निकल गया, ओके। बट ये जो हमारा निकला है गाइस, यहाँ पे हमें नंबर लेना था, कि मुझे नंबर कहाँ से लेना था, यहाँ से मेरा बी कॉलम है, बी से लेके B10 से लेके C10 तक, ओके, और C10 तक। अब इसी टाइप से हम इसे क्या करेंगे गाइस, इसे यहाँ पे रखते हैं और इसे जब ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हमारा निकल जाएगा सारा, नेक्स्ट 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 निकल गया, ओके गाइस। इस टाइप से ये हमारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। बट गाइस यहाँ पे जो मुझे निकालना है, मुझे आईडी भी निकालनी है, तो हम इधर आईडी के लिए भी लगाएंगे, सेम फॉर्मूला होगा गाइस, बस इसे मैं कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, आप ड्रैग भी कर सकते थे। तो देखिए गाइस सेम आ गया यहाँ पे, अब इसने निकाल दिया, सेम उसी टाइप से हो गया, क्योंकि इसमें हमारी रेंज फिक्स है। और ये जो रेंज मैंने चेंज की है गाइस इधर, मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मुझे हर बार कॉलम नंबर डालना पड़ रहा था कि मुझे फर्स्ट में जाना है, टू में जाना है, थ्री में जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गाइस, इसने नंबर अपने आप चेंज कर दिया, स्टार्टिंग से लिया गाइस और लास्ट जहां तक मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वहां तक उसने कॉलम को सिलेक्ट करता चला गया कि किस नंबर कॉलम पे आपको जाना है, और उस नंबर कॉलम की नंबरिंग दे दी इसने। यहाँ पे मुझे नंबर टाइप करना पड़ रहा था कि मुझे थर्ड नंबर कॉलम चेक करना है, फोर्थ नंबर चेक करना है, फिफ्थ नंबर चेक करना है, बट यहाँ पे इसने क्या करा, पहले कॉलम से स्टार्ट किया काउंट करना और ड्रैग करती चली गई मैं यहाँ पे, तो उसके बाद उसने हर कॉलम को नंबर वाइज आगे बढ़ाता चला गया। जो कॉलम फॉर्मूला है वो कॉलम का नंबर निकालता है कि ग्रुप में कितने कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, टोटल कॉलम निकाले और टोटल कॉलम की इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। तो इस तरीके से गाइज अब जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूंगी, देखिए वो उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा। यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था, इसमें मेरे को ड्रैगन प्रॉब्लम होगी, मुझे हर बार नंबर पड़ेगा, हर बार रेफरेंस मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें गाइस मेरा रेफरेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरा रेफरेंस इसमें फिक्स लेकर चली हूँ। सिर्फ यहाँ पर ही मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है लास्टिंग के लिए, कि अगर लास्ट तक जितने भी इसमें और कॉलम बढ़ेंगे गाइस, और इस फॉर्मूले को मैं जैसे ही ड्रैग और करूंगी, ये रेफरेंस आगे बढ़ता चला जाएगा, ओके, लेकिन स्टार्टअप यहाँ से फिक्स ही रहेगी, ओके गाइस। तो ये तो था गाइस हमारा वी लुकअप, इस तरीके से हम वी लुकअप निकालते हैं। सेम टाइप से गाइस हमारा एच लुकअप भी है, एच लुकअप में भी हम इधर लिस्ट का ही काम करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन सर्चिंग कराएंगे। तो गाइस पहले मैं इस टाइप से बता रही हूँ कि अगर आपको एक कोई एक चीज चेक करानी हो, कोई एक सब्जेक्ट के मार्क्स चेक कराने हो, तो हम कैसे करेंगे, और फिर अगर हमें सारे स्टूडेंट के मार्क्स चेक कराने हैं तो हम कैसे करेंगे, ओके गाइस।
फॉर्मूला सेम है गाइस, बस एच लुकअप और वी लुकअप का थोड़ा सा चेंज ओवर है और कुछ नहीं है। देखिए गाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें भी गाइस देखिए यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, किसकी, सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर भी मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रही हूँ। ओके गाइस सेम टाइप है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप जाइए डेटा में जाइए और डेटा वैलिडेशन में जाइए, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पे सेम आप लिस्ट ले लीजिए। लिस्ट लेकर आपको किसकी लिस्ट बनानी है वो यहाँ पे सोर्स पे टिक करिए गाइस, और यहाँ से इस लिस्ट को चूज कर दीजिए जस्ट फॉर योर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ही चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, टोटल भी ले लिया मैंने, कोई मैटर नहीं है, आप ले सकते हैं टोटल भी, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पे सारे ले लिए। ओके और ओके कर दिया। देखिए गाइस तो इस फील्ड में मेरा शो हो गया सारे सब्जेक्ट। ओके आ गए सब्जेक्ट गाइस। ओके ठीक है, अब इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, सेम टाइप इसी को हम यहाँ से जाकर इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ये कलर चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे गाइस हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू मार्क्स निकाल रहे हैं, लेकिन मार्क्स गाइस यहाँ पे सारे स्टूडेंट के नहीं निकलेंगे, फर्स्ट वाले स्टूडेंट के ही निकलेंगे। मैं यहाँ से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करती हूँ ना गाइस, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले के ही दिखाएगा। देखिए गाइस अब इधर क्या दिखा रहा है, 32। देखिए इंग्लिश में 32 रवि के मार्क्स है, तो ये सिर्फ फर्स्ट के ही दिखाएगा, एक के सबके देखने हैं तो उसके लिए हम ये वाली लिस्ट बनाएंगे सभी के देखने के लिए। तो इक्वल अब यहाँ पे हमने एच लुकअप लगाया, एच लुकअप दैट्स अ हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब पहले ही क्या बोल रहा है, इस लुकअप वैल्यू, दिस इज माय लुकअप वैल्यू। ओके देन कॉमा, अब आपका यहाँ पे लुकअप एरे, आपकी एरे बोल रहा है, लुकअप एरे चूज कर लिया। ओके अब गाइस ये रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, दिस इज योर रो इंडेक्स नंबर, स्टार्टअप से लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 किसका देखना चाहते हैं, फर्स्ट का, टू का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। मैंने गाइस यहाँ पे डाल दिया थर्ड का, थर्ड का मींस है राज, 1, 2, 3। ओके दैट्स योर राज की इंफॉर्मेशन दिखाएगा गाइस, 0 और एंटर, यानी केमिस्ट्री में राज के कितने नंबर है। देखिए गाइस केमिस्ट्री ये रहा और राज के कितने हैं, 33 आ रहे हैं। अगर गाइस यहाँ से मैं इसे चेंज करूँ सब्जेक्ट, तो राज के ही नंबर दिखाता चला जाएगा, राज के इंग्लिश में कितने नंबर हैं, 3 नंबर, 3 आ गए। ओके अगेन तो ये तो गाइस एक ही नंबर थे किसी भी एक स्टूडेंट के। अगर मैं गाइस यहाँ पे ऐसा बनाना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट चेंज करूँ, तो इस सब्जेक्ट के थ्रू क्या होगा, ये सारे स्टूडेंट के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाए। ओके गाइस तो ये हम इधर बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए भी गाइस मुझे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट के थ्रू ही मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट इसलिए जरूरी है गाइस कि अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो उसमें क्या होगा गाइस कि आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी को टारगेट करूंगी, सब्जेक्ट में ये वाला टारगेट होगा मेरा। तो इसलिए हम पहले इधर भी लिस्ट बना लेते हैं, एक और लिस्ट, या मैं इसी लिस्ट को ले लूंगी गाइस, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को ले लूंगी, इसी को टारगेट कर दूंगी। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में यहाँ पे जैसे चूज करूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है सब्जेक्ट, तो मुझे नेम लेने हैं गाइस, तो मेरे सारे नेम जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, सेम एज है, मैंने इधर जाकर इधर कॉपी कर लिए सारे नेम। चलिए गाइस ये कॉपी हो गए। ओके अब यहाँ पे गाइस फॉर्मूला लगाना है गाइस, क्योंकि मैं फॉर्मूला इसको कंटिन्यू करूंगी, तो जैसे मैं केमिस्ट्री चूज करूँ यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाए, तो हम यहाँ पर भी एच वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए गाइस वी लुकअप सॉरी एच लुकअप, अब इक्वल एच लुकअप लगाइए आप यहाँ पर भी एच लुकअप, मैंने एच लुकअप लगाया, टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद सबसे पहले आपकी लुकअप वैल्यू क्या है गाइस, दिस इज माई लुकअप वैल्यू। ओके ठीक है हम ले ली। ओके अब आपका क्या बोल रहा है गाइस, टेबल एरे, ये आपका टेबल एरे है। ओके चूज कर लिया हमने हमारा टेबल एरे। अब बोल रहा है गाइस रो इंडेक्स नंबर, रो आपकी कौन सी है गाइस, फर्स्ट है, तो हमने फर्स्ट चूज कर लिया कि मेरी रो फर्स्ट है। ओके और एग्जैक्ट सॉरी गाइस एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देखिए इसने कंप्लीट कर दिया, मुझे इसने 0 नहीं लगाने दिया, 1 लग गया, मैंने इधर 0 लगा दिया। ओके गाइस सॉरी गाइस यहाँ पे कुछ रो फर्स्ट है, चलिए यहाँ पे हमने ले लिया, इसमें रो 1 है मेरी और एग्जैक्ट मैच 0 है। देखिए गाइस अब जैसे यहाँ पे चेंज करूंगी तो गाइस ये भी यहाँ पर चेंज कर देगा। ओके अब इसके बाद यहाँ भी सेम हमें फॉर्मूला लगाना है,
सेम एज जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, एज इट इज फॉर्मूला मुझे यहाँ पर भी पुट करना है। ओके गाइज, तो इधर गाइज जैसे हमने यहाँ पे चूज किया था कि रो में डाल रही हूँ पहली रो दूसरी रो, इस रो की जगह गाइज हम यहाँ पे रोज का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कॉलम का फॉर्मूला लगाया था, तो हम यहाँ पर भी गाइज रोज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हटा दिया मैंने वन को और यहाँ पे मैंने इधर रोज डाल दिया। ओके, रोज और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब रोज आप कहाँ से लेंगे गाइज, ये मेरी पहली रो है। एक मिनट गाइज, कुछ इधर से कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इधर थोड़ा स्किप कर रही हूँ। कुछ नेम लिखे थे, नेम हट गया गाइज, नेम। ओके गाइज, तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने इधर गाइज चेंज कर दिया यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैं रो का ही फॉर्मूला रोज ही लगा रही हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब गाइज स्टार्टिंग तो हम यहाँ से ही लेंगे, ठीक है ना। ये मेरी रो चल रही है पहली रो से दूसरी रो तक, वो हो गई। सॉरी गाइज, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से लेंगे क्योंकि मेरी लोकेशन ये है, तो मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है गाइज। और यहाँ से लेने के बाद इसका ब्रैकेट कर दिया बंद। ओके, और एग्जैक्ट मैच मेरा जीरो है, बट हम यहाँ पे इसको करेंगे फिक्स। अब मैं गाइज सारा डेटा करूंगी फिक्स, ठीक है ना, जिससे कि मेरा डेटा चेंज ना हो। जैसे कि पहले हमारा डेटा चेंज हो रहा था लुकअप लुकअप में, तो मेरा डेटा चेंज ना हो। तो यहाँ से इसे फिक्स कर दिया और बाकी मैं सारा रेफरेंस भी करूंगी गाइज फिक्स। मैंने इसे भी फिक्स कर दिया। ओके, मैंने ये भी फिक्स कर दिया, सारा डेटा कर दिया मैंने फिक्स। ओके गाइस, ये हो गया। देखिए गाइस, हो गया ये। ओके, ये फॉर्मूला मैं डाउन कर रही हूँ। हमने कर दिया इसको थोड़ा सा डाउन, स्केल गाइस कोई बात नहीं, यहाँ से इसे मैं डिलीट करके कर देती हूँ, रुकना हूँ। एक मिनट गाइस, इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से और इसको मैं डाउन कर देती हूँ, और वहां पे मेरे को दोबारा एक बार फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। इसे डाउन कर दिया और इसी फॉर्मूले को कॉपी करके गाइस हमने इसे यहाँ पे लगा दिया। गाइस ये देखिए गाइस, केमिस्ट्री आ गया। ओके, अब गाइस आप यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे ही आप इधर सिलेक्ट करेंगे कोई सा भी सब्जेक्ट, देखिए ये दोनों चेंज हो जाएगा। मैथ्स चूज किया गाइस, मैथ्स के यहाँ पे रवि के मार्क्स आ गए, राज के मार्क्स आ गए और यहाँ पे सभी स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, तो देखिए इंग्लिश के, ये इंग्लिश के मार्क्स है, सभी के एज इट इज मार्क्स आ गए। देखिए गाइस, ओके, तो इस टाइप से गाइस हम इसे यूज कर सकते हैं, एच लुकअप और बी लुकअप। इस तरीके से आप गाइस सारे फील्ड के मार्क्स चाहते तो गाइस सारी फील्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर एक फील्ड के चाहते तो एक फील्ड लगा सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिए।